अगर उर्दू मुशायरों में जो आज के अहद में शायरात है उनमें एक नुमाइंदगी आपके इलाके से हुई, आपके ज़िले से हुई, और वो नुमाइंदगी थी मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी की। रुखसार बलरामपुरी ने हिंदुस्तान भर के मुशायरों में और हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर आपके ज़िले का, आपके इलाके का नाम रोशन किया। अपनी गज़लों नज़मों के हवाले से, अपने गीतों के हवाले से लोगों की दुआएं हासिल की, आपके इलाके की नुमाइंदगी की। मैं चाहता हूं कि रुखसार बलरामपुरी को इस वक्त माइक पर आवाज़ दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। उतरौला मुसलसल मेरी हाज़िरी हो चुकी है, एक साल बाद फिर हाज़िरी हुई है। मैं शुक्रगुजार हूँ अनवर महमूद साहब के और शाहिद महमूद साहब जो मुंबई में हैं जी, वो भी मुशायरा सुन रहे हैं। एक मतला दो शेर हाजिर करती हूँ जी, दुआएं चाहती हूँ, मुलाजा करें। मैं सोच रही थी मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा, बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। खैर आप लोग थोड़ी सी दाद दे देंगे तो इंशाल्लाह मुझे भी हाजिर करते हैं, देखें जी जी इरशाद दर्द हाजिर करते हैं, देखें। सब अपने छूट जाएंगे, घराना छूट जाएगा, सब अपने छूट जाएंगे, घराना छूट जाएगा, सब अपने छूट जाएंगे, घराना छूट जाएगा, घराना छूट जाएगा। मैं तेरे पास आऊं तो जमाना छूट जाएगा, वाह 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 वाह। मैं तेरे पास आऊं तो जमाना छूट जाएगा, आऊं तो जमाना छूट जाएगा। वा, 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 वा। और शेर हाजिर करते हैं, देखें। इरशाद इरशाद इरशाद, सुनिए सुनिए भाई, सुन लीजिए। बिल्कुल नया भी पढ़ रही हूँ मैं, बस आ रही हूँ मैं तो, बस मूड आपका बना रही थी, पेश करती हूँ, देखें। हाजिर करती हूँ, देखें। करूँ कैसे मुहब्बत खुल के घर वाले खफा होंगे, करूँ कैसे मोहब्बत खुल के घर वाले खफा होंगे, करूँ कैसे मोहब्बत खुल के घर वाले खफा होंगे, करूँ कैसे मोहब्बत खुल के घर वाले खफा होंगे, के घर वाले खफा नया रिश्ता, नया रिश्ता बनाने में पुराना छूट जाएगा, नया रिश्ता बनाने में पुराना छूट जाएगा। और आखिरी शेर जो परदेश रहते हैं उनके हवाले से पेश करती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, देखें। तुम अब कुछ दिन की छोटी ले के अपने गांव आ जाओ, तुम अब कुछ दिन की छुट्टी लेके अपने, तुम अब कुछ दिन की छोटी ले के अपने गांव आ जाओ, तुम अब कुछ दिन की छोटी ले के अपने गांव आ जाओ, तुम अपने गांव आ
नहीं तो तुम से ये मौसम सुहाना छूट जाएगा। वाह 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 वाह। तो तुमसे ये मौसम सुहाना छूट जाएगा। मैं तेरे पास आऊं तो जमाना छूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब दो शेर हाजिर करती हूँ, देखें। इरशाद जी सुनिए। हर तरह से सजाए बैठी हूँ, एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं मुशायरे के लिए, पेश करती हूँ देखें। हर तरह से सजाए बैठी हूँ, हर तरह से सजाए बैठी हूँ, हर तरह से सजाए बैठी हूँ, खुद को दुल्हन बनाए बैठी हूँ, खुद को दुल्हन बनाए बैठी हूँ। और शेर हाजिर करती हूँ देखें। अब तो आ जा के राह में ते, जी जी बिल्कुल, पेश करती हूँ देखें। हर तरह से सजाए बैठी हूँ, खुद को दुल्हन बनाए बैठी हूँ। और शेर हाजिर करती हूँ देखें। अब तो आ जा के राह में तेरी, अब तो आ जा के राह में तेरी, अब तो आ जा के राह में तेरी, कब से पल के बिछाए बैठी हूँ, कब से पल के बिछाए बैठी हूँ। और मेरा पसंदीदा शेर हाजिर करती हूँ देखें। मैं तेरे नाम की हथेली पर, मैं तेरे नाम की हथेली पर। पचपेड़वा से रईस भाई और ग्यासुद्दीन साहब तशरीफ फरमा हैं, उनकी भी दुआएं चाहती हूँ, मुलाजा करें, वो भी दुआएं दे रहे हैं। हाजिर करती हूँ, उतरौला वाले तो प्यार करते ही हैं मुझसे, पेश करती हूँ देखें, मुलाजा करें। अगर मोहब्बत ना करते तो मुझे हर साल आप लोग बुलाते नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ अनवर साहब की, बहुत नेक इंसान है आप, उनके लिए बहुत दुआएं हैं, मेरे दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं, मगर मैं बहुत नाराज हो जाती हूँ उनसे कभी कभी। पेश करती हूँ देखें। मैं तेरे नाम की हथेली पर, मैं तेरे नाम की हथेली पर, मैं तेरे नाम की हथेली पर आज मेहंदी रचाए बैठी हूँ, आज मेहंदी रचाए बैठी हूँ। और नए गजल का हुक्म है तो मैं चाहती हूँ दो चार शेर नए पढ़ दूँ। जी जी पढ़िए पढ़िए। एक मतलब दो शेर, उसके बाद एक गीत आपके खिदमत में उतरौला वालों की सरजमी पे पढ़ूंगी, हाजिर करती हूँ, मुलाहिज़ा करें। सितम मुझ पे वो दम बदम कर रहे हैं। बिल्कुल नई गजल है। अब आप आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे दुआएं दें। लड्डू चा आपके हवाले से पढ़ती हूँ, मुलाहिज़ा करें। उतरौला में पढ़ के देखना चाहती हूँ, अगर मुझे दुआएं मिली तो हर जगह पढ़ूंगी, मुलाहिज़ा करें। सितम मुझ पे वो दम बदम कर रहे हैं। और ये मतलब मैं अनवर महमूद साहब को नजर करती हूँ, मुलाहिज़ा करें। सितम मुझ पे वो दम बदम कर रहे हैं, सितम मुझ पे वो दम बदम कर रहे हैं, सितम मुझ पे वो दम बदम कर रहे हैं, सितम मुझ पे वो दम बदम कर रहे हैं, मगर कह रहे हैं करम कर रहे हैं, मगर कह रहे हैं करम कर रहे हैं। और ये शेर नौजवानों की नजर, आपकी दुआएं चाहती हूँ देखें। जमाने से अपनी मु
मोहब्बत का चर्चा, जमाने से अपनी 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 मोहब्बत का चर्चा। न तुम कर रहे हो न हम कर रहे हैं, न तुम कर रहे हो न हम कर रहे हैं, भला किस लिए गैर के दर पे जाए। अब जब शायरी कर रही हूँ तो थोड़ी सी दुआएं दे सकते हैं आप लोग, पेश करती हूँ देखें। भला किस लिए गैर के दर पे जाए, भला किस लिए गैर के दर पे जाए, भला किस लिए गैर के दर पे जाए, भला किस लिए गैर के दर पे जाए। करम जब हमारे सनम कर रहे हैं, करम जब हमारे सनम कर रहे हैं। और मक्ता हाजिर करती हूँ देखें। उन्हें कहे न रुखसार आएंगे मिलने, क्या कहना उन्हें कहे न रुखसार आएंगे मिलने, 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 अगर वो बिछड़ने का गम कर रहे हैं, अगर वो बिछड़ने का गम कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं। और गीत का हुक्म था, अगर आप गीत सुनना चाहते हैं तो तालियां बजा के एहसास दिलाएं। बिल्कुल नया गीत है आपके खिदमत में, मैं बहुत बार आई हूँ तो उत्तरौला में गीत नहीं पढ़ी हूँ, मैं आज पढ़ के देखना चाहती हूँ कि आपकी मुझे दुआएं मिलती है कि नहीं। और अगर आप यहाँ नहीं दुआएं देंगे तो मैं बाहर जब जाती हूँ तो लोग कहते हैं देखो बलरामपुर की हैं और इनको बाहर इतनी दुआएं मिलती है और अपने शहर में नहीं, तो आप ये एहसास दिला दें कि मैं आपके शहर की हूँ, आपके घर की हूँ। अब किस तरह सुना जाता है आप एक बार एहसास दिला दें तो मैं पढ़ती हूँ, आप तालियां बजा के एहसास दिलाएं। मैं पेश करती हूँ देखें, क्योंकि मुझे आखिरी शायरा के तौर पर पेश किया गया है इसलिए मैं पढ़ती हूँ, मुलाहजा करें। साजन बहुत दिल जले लोग बैठे हैं, पेश करती हूँ देखें। साजन साजन ना जाओ साजन, साजन साजन जैसे लग रहा यही मेरे साजन है, माला पहन के बैठे, कमाल है। अच्छा इतने प्यार से साजन कहोगे तो गड़बड़ तो होनी है भाई, किसी न किसी पे तो असर करेगा ये गीत। नहीं इन्होंने माला, जैसे मैंने साजन कहा इन्होंने गले में माला डाल लिया। पेश करती हूँ देखें। साजन साजन ना जाओ साजन, बंबई से मीडिया वाले मुजीब भाई तशरीफ फरमा है, पेश करती हूँ देखें। साजन साजन ना जाओ साजन, साजन साजन आ जाओ साजन। बंद हाजिर करती हूँ देखें। मैं क्या बताऊँ क्या है आहा, दिल में मकाम तेरा आहा, अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मैं क्या बताऊँ क्या है दिल में मकाम तेरा, मैं क्या बताऊँ क्या है दिल में मकाम तेरा, जपती हूँ नाम हर पल, जपती हूँ नाम हर पल, मैं सुबह शाम तेरा। साजन साजन
साजन आ जाओ साजन, साजन साजन आ जाओ साजन। और दूसरा बंद देखें, तेरी याद हर खुशी है, तेरी याद शायरी है, तेरी याद हर खुशी है, तेरी याद शायरी है, तेरी याद हर खुशी है, तेरी याद शायरी है, तेरी याद बंदगी है, तेरी याद बंदगी है, तेरी याद जिंदगी है। साजन साजन ना जाओ साजन, साजन 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 ना जाओ साजन। और आखिरी बंद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तालियां बजा के रुख्सत कीजिएगा और दुआ दीजिएगा कि इस बार मेरी भी शादी हो जाए। आखिरी बंद आपके खिदमत में पेश करती हूँ, मुलाजा करें, क्योंकि मैं अपने घर में ये बात कह रही हूँ क्योंकि लोग बहुत परेशान है मेरे लिए। पेश करती हूँ देखें, पेश करती हूँ देखें। साजन साजन ना जाओ साजन, साजन साजन आ जाओ साजन। बढ़ती ही जा रही है हर लम्हा बेकरारी, अरे वाह वाह वाह, बढ़ती ही जा रही है हर लम्हा बेकरारी, बढ़ती ही जा रही है। क्या हुआ भैया, लो सुन लो भाई, सुन लो यार, आखिरी बंद है, सुन लीजिए। अरे पेश करती हूँ देखें जी। बढ़ती ही जा रही है हर लम्हा बेकरारी, बढ़ती ही जा रही है हर लम्हा बेकरारी। फिरती है दुनिया भर में, फिरती है दुनिया भर में, रुखसार मारी मारी।